हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर 2024 की, जो हमने पूरी सीरीज चलाई हुई है इसी को हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत प्यारा आज का हमारा सेशन होगा और हम इसमें जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं वन लाइनर फॉर्म में। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप वहाँ से हमको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आपकी अपकमिंग जितनी भी अभी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए ये वीडियो यहां पर काफी लाभदायक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने पास। पहला जो हमारे पास यहां पर करंट अफेयर है कि गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है। तो यूनेस्को के प्रिक्स वर्ल्डस संग्रहालय पुरस्कार के लिए इसका जो है चयन यहाँ पर किया गया है। अगर हम बात करते हैं जो यूनेस्को प्रिक्स वर्ल्डस सम्मान है, ये प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए जो है यहाँ पर दिया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो गुजरात में भूकंप स्मृति जो है वो वहाँ पर बना हुआ है संग्रहालय, उसको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कि दुनिया का सबसे ऊँचा स्टील आर्च रेलवे ब्रिज कहाँ जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है। तो कहाँ पर है वो चिनाब ब्रिज है जम्मू कश्मीर में, उसको आर्च रेलवे ब्रिज जो है सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेलवे ब्रिज है जहाँ पर उसका ट्रायल जो है वो पूरा किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा, महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर चुनी गई है। तो वो कौन है यहाँ पर पीवी सिंधु, हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज की गई है, वो कहाँ पर है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज यहाँ पर की गई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है। तो एस्ट्रो टूरिज्म पहल जो अनावरण किया है यहाँ पर वो किसने किया है, उत्तराखंड ने एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण यहाँ पर किया है, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास कि नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है, तो वो कहाँ पर है, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल जो नई दिल्ली में स्थित है उसको जो है आधुनिक त्वचा बैंक के रूप में डेवलप किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में ही निजुत मोइन योजना की शुरुआत की है, तो वो शुरुआत किसने की है यहाँ पर, असम, निजुत मोइन योजना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये किससे संबंधित है, कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो किस संबंधित है ये, जो है बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जो नाम कर दिया गया है वो क्या है, ज्योतिर्मठ, इसका नाम जून 2024 से कर दिया गया। और जोशीमठ में जो है अभी पिछले दिनों काफ़ी आपदा भी देखने को मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग्स प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रही है। तो कौन से आईआईटी है यहाँ पर, आईआईटी मद्रास के साथ जो है साथ मिलकर नासा काम कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी, तो वो कौन बनी, अनामिका राजीव, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भारत की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है, बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो जो भारत को रैंक मिली है यहाँ पर वो कौन सी है, 129वीं रैंक जो है वो यहाँ पर भारत को मिली है। अब देखो आपके दो तरीके से यहाँ पर बनते हैं कि एक तो जो है वो भारत की सीधी सीधी यहाँ पर रैंक पूछेगा, एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। तो वो जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जो है वो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है जारी करता है। इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दूसरा सबसे बड़ा जो है स्रोत बनकर उभरा है, तो वो कौन सी गैस है, वो है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है सबसे दूसरा सबसे बड़ा जो है भारत बनकर उभरा है इसका जो है उत्पादन करने वाला। तो नंबर वन पर कौन है, नंबर वन पर जो है वो है चीन, ठीक है, चीन जो है वो नंबर वन पर है और भारत जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। और भारत ने कितने प्रतिशत यहाँ पर 11% जो है उत्सर्जन किया है नाइट्रस ऑक्साइड का, और चीन ने कितना किया है 16%, ठीक है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों ही आंकड़े जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं,
जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवा शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? तो रिलायंस की ये जो है एक सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म, जियो प्लेटफॉर्म को जो है यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कि जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा यहाँ पर की है? ठीक है, तो जो चीते हैं जो अब यहाँ पर रखे जाएंगे गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में, अब कोनो के अलावा जो है वो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में भी ये जो है चीते रखने की व्यवस्था की गई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 172वीं संख्या यहाँ पर है परमाणु हथियारों की 2003 के हिसाब से, ठीक है, तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो कौन सी है यहाँ पर, तो एक नंबर पर है हमारे पास क्या नकटी और दूसरे स्थान पर क्या है हमारे पास यहाँ पर नागी पक्षी अभ्यारण्य, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वो किया गया है यहाँ पर किसको, अमरावती को, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अमरावती को आधिकारिक राजधानी जो है आंध्र प्रदेश की घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति जो है शुरू की है? तो किसने की है यहाँ पर, सिक्किम ने की है, सिक्किम ने जो है यहाँ पर ये नीति शुरू की है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकिलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो कहाँ पर किया गया है, पूर्वी सिक्किम में ये प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है चांगू में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित NDA की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों को जो है शपथ ग्रहण किया गया है? तो जो महिला मंत्री हैं वो कितनी हैं यहाँ पर, 7 महिला मंत्री हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली? तो किसने लिया है यहाँ पर, मोहन मांझी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है मई 2024 में जारी हायर टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसे जो है शीर्ष स्थान मिला है? तो मिला है किसको, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल, तो इसको जो है यहाँ पर शीर्ष स्थान जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत जो रैंक मिली है वो कौन सी है यहाँ पर, 10वीं रैंक जो है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में जो है भारत को मिली है, एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का जो है सफल प्रशिक्षण किया है? तो बिसम नाम से, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज के नाम से जो है वो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने एक पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण यहाँ पर किया है बिसम नाम से, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है, तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को जो है इस तरह के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में यहाँ पर शामिल किया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पॉम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है? तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट जो पायल कपाड़िया की फिल्म है उसको जो है यहाँ पर नॉमिनेट। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की है, तो किसने किया है यहाँ पर, TCS ने यहाँ पर ये स्थापना की है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 मई सन 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है यहाँ पर, इदा सिसा नोरांग को जो है वो DGP नियुक्त किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2024 के लिए डेडलाइट पत्रिका की ग्लोबल
दृश्य सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी, तो वो बनी है यहाँ पर दीपिका पादुकोण, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से कौन सी रैंक मिली है। तो यहाँ पर जो रैंक मिली है 39वीं जो है 39 रैंक मिली है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अंदर, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, तो वो कौन सा है। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो है वो इस तरह का पहला एयरपोर्ट यहाँ पर बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही हूँ जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, तो वो कौन है। यहाँ पर वो है ज्योति आत्रे जो हैं यहाँ पर महिला फिटनेस है जो सबसे उम्रदराज जो हैं रही हैं एवरेस्ट को फतेह करने। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है, तो कृषक और भूमि जो है नाम से एआई एंकर को यहाँ पर पेश किया गया है डीडी किसान, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया था, तो ओमान के नाम से, ओमान ने जो है ये नाम यहाँ पर दिया था तूफान रेमल। ठीक है, तूफान रेमल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न बन सकता है कि पश्चिम बंगाल में पिछले किस दिनों में जो है किस तूफान ने जो है यहाँ पर तबाही मचाई, तो तूफान जो है रेमल, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 GI टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना है, तो वो बना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य बना है। मैं अगर मैं बात करता हूँ कि उत्तराखंड में कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है, ये हमने क्वेश्चन जो है अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोनों ही, उत्तर प्रदेश भी और यहाँ पर उत्तराखंड की जो GI टैग है दोनों, वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।